नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, जो आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े नागरिक अस्पताल हादसे में हैं। यहां से एक बड़ी खबर आ रही है कि देर रात्रि को एक 75 वर्षीय व्यक्ति बिजलाल की हत्या कर दी गई है, जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है। और फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस ने पूरी तरह से जांच शुरू कर दी गई है, और इस मामले में कहीं ना कहीं बता दें देर रात्रि से पुलिस हरकत में आई हुई है, और मामला क्या है उसकी पूरी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाई है। वहीं आपको बता दें कि ब्रिजलाल जो 75 वर्षीय है उसका मर्डर हुआ है, जो उसको चोट मारी गई है उसका मर्डर हुआ है, और रात्रि को देर रात्रि को ही उसके शव को हासिन नागरिक स्थल में लाया गया। और बता दें कि आज पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही रिपोर्ट आने के बाद ही कोई खुलासा हो पाएगा। नागरिक अस्पताल के डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अश्वनी। सर क्या मामला था ये रात को? देखो, हमारे पास तो 4:15 के करीब डेड बॉडी लेकर आए थे पुलिस वाले, और मामला था ये शायद काली देवी रोड के पास, काली देवी के पास रहने वाला था, काली देवी मंदिर के पास। और प्राथमिक दृष्टि में तो यही लग रहा है कि सर पे चोट मारने के कारण मौत हुई है उसकी। तो ये उम्र 75 साल। नाम क्या? नाम था मृतक का ब्रिजलाल। ब्रिजलाल तो यहाँ लाया गया तो डेड था? हाँ बिल्कुल मृत था वो। अभी ब्रिजलाल जी के लिए जो पोते वो जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर कैसे पता चला आपको? हमको तो 12 बजे यहाँ से फ़ोन आया जी, भाई आपके दादाजी कैसे एक्सपायर हो गए। तो फिर हम हिसार से आए, आगे यहाँ देखा तो दादाजी गुजरे हुए थे। तो क्या लग रहा है आपको, उनका मर्डर किया गया? हाँ जी, मर्डर किया गया। तो कहाँ लगी है चोट उनको? उनके पूरे मुँह फेस से सारा जी अंदर चला गया, यहाँ गर्दन भी लगी हुई। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर आया यहाँ? हाँ जी, उन्हें शो किया जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हासी सिटी के थाना प्रभारी कृष्ण लाल जी, उनसे बातचीत करेंगे कि रात्रि को जो बिजलाल की हत्या हुई है या क्या हुआ उसको लेकर बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो क्या मामला था ये? रात को हमें सूचना मिली कि ब्रजलाल जी का किसी ने उसी के मकान में मर्डर कर दिया। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, उसके लड़के ने बयान अंकित करवाया, उस पर FIR दर्ज कर दी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो क्या लग रहा है इसमें किसका हाथ है? उन्होंने कहा है कि भाई उन्हीं का किराएदार है, प्रशांत उड़िया, उड़ीसा का रहने वाला है। उन्होंने तो शक जाहिर किया कि भाई इसने हत्या की है, लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। CCTV फुटेज वगैरह देख रहे हैं, उनके जो और किराएदार हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो सर पुलिस की टीम रात को ही लगा दी होगी? हाँ बिल्कुल, जिस टाइम सूचना मिली थी पुलिस उसी टाइम से कार्यरत। ये तो शहर थाना प्रभारी, इन्होंने साफ तौर पर कहा जिस प्रकार इनको सूचना मिली उसी प्रकार पुलिस की टीम रात को लगा दी गई है, और पूरे मामले की जांच की जा रही है। आखिर इसमें अंदर दोषी कौन है उसको कहीं ना कहीं सर जल्दी पकड़ लिया जाएगा? हाँ जल्दी पकड़ लिया जाएगा। ये सही आपको बता दें कि सिटी थाना प्रभारी ने साफ तौर पर कहा कि हत्या के जो भी आरोपी होंगे जल्दी पुलिस उनको पकड़ लेगी। कहीं ना कहीं पुलिस मुस्तैद हो चुकी है, और उनके पकड़ने के लिए और इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए लगातार जो भी अपडेट है वो अपडेट आप तक हम शेयर कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।